सो हेलो एवरी वन, आई एम वैभव रंगलानी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ड्रीम्स इनिशिएटिव। अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो थोड़े दिन पहले मैंने एक फोटो डाला था, इसमें मैं अतुल गुप्ता के साथ में चीफ गेस्ट था ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की अम्ब्रेला ब्रांच ब्लाइंड बॉयज इंस्टीट्यूट में। सो गाइस, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको कि ये सब हुआ कैसे, क्या हुआ सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले जब मैं 11th क्लास में था तो मेरी ट्यूशन लगती थी उस एरिया में, उस ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के जस्ट बाजू में। जब मैंने डिस्कवर किया कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है जहाँ पे ब्लाइंड बच्चे हैं और कुछ बेचारे अनाथ भी ऑफन हैं, तो उस समय मेरे दिमाग में आ गया था कि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। उसके बाद में 2 साल बाद, मतलब आज से लगभग 1 महीना पहले, अतुल गुप्ता का मेरे को कॉल आया कि भाई मेरे को एक गाना रिलीज़ करना है ड्रीम्स, उसके लिए अपन को एक डोनेशन ड्राइव प्लान करनी है, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पे इंस्टीट्यूट में या कोई एसोसिएशन में बात कर सकते हैं क्या। तो मेरे दिमाग में था कि हाँ भाई, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है, अपन उधर जाके बात करते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके बात की और उन बच्चों के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल इवेंट रखवाया, और उस डोनेशन को रेज करने के लिए हम लोगों ने 8 इवेंट्स किए नागपुर के अलग अलग कैफेज में। तो सारे इवेंट्स में बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट ने आके परफॉर्म किए, जो आर्टिस्ट थे लोकल नागपुर के और मोस्टली हमारे फ्रेंड सर्कल में ही थे। तो इवेंट्स में बेसिकली म्यूजिकल परफॉर्मेंस था, उसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडीज़। तो शुरू के कुछ इवेंट्स फ्री थे, उसके बाद हम लोगों ने टिकट बेचना शुरू की उस इवेंट्स की, और सारे पैसे हम लोगों ने डाले डोनेशन में। बहुत सारे परफॉर्मेंस के बाद में, बहुत सारे हार्ड वर्क के बाद में हम लोग का जब डोनेशन कलेक्ट हुआ 9,500 समथिंग वो था, उसके बाद हम लोगों ने उनसे बात की कि आप लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है। उन लोगों ने कहा कि हमको एक रेड मैट चाहिए और बच्चों के लिए पार्ले जी बिस्किट और टोस्ट चाहिए। तो हम लोगों ने मैट खरीदे 3, 2 पार्ले जी बिस्किट के बॉक्सेस और एक टोस्ट का बॉक्स खरीदा और उसको डोनेट किया। और उसके बाद जब हमारा मेन इवेंट था 23 अगस्त को, तो उस समय हम लोगों ने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड किया और हम लोग एकदम हैरान हो गए थे, एकदम मतलब माइंड ब्लोन बच्चों की एबिलिटीज़ को देख के, बच्चों की बातें सुन के। जब हम लोगों ने उनसे बात की तो एकदम भाई क्या कहना, उन बच्चों का भी बहुत अमेज कर दिया उन बच्चों ने हमको, ये कहूँगा मैं। इवेंट के एंडिंग में हम लोगों ने बच्चों को स्नैक्स डोनेट किया, जिसमें थे वेज पफ और सैंडविचेस, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, हमने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और बहुत ही वार्म वेलकम हुआ हमारा वहाँ पे। और हम लोगों को ये एक्सपेक्टेड नहीं था चीफ गेस्ट वाली चीज़। तो जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे, चेयर्स अरेंज की थी और सामने टेबल थी, वहाँ पे प्रिंसिपल सर बैठे हुए थे, स्कूल के मैनेजर बैठे थे, उनके बाजू में हमको बिठा दिया और उसके बाद मैम ने वेलकम स्पीच दी कि दीज आर आवर चीफ गेस्ट। सो उस समय बहुत ऐसे बहुत अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे को उस समय एक बात याद आ गई, जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे एक टीचर ने मुझसे कहा था कि तू अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, ये वीडियोस बना के और ये सब। तो मैं मन ही मन हंस रहा था उस टीचर के ऊपर कि उसको, खैर वो सब चीज़ें ठीक है, आई एम नॉट बोस्टिंग, मैं ऐसे कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस समय बहुत अच्छा लगा था अंदर से। और बच्चों से बात करके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आप में से उन सभी लोगों को जिन्होंने इवेंट में आके डोनेशन दिया, हम तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई,
तो आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने भी आके इवेंट में डोनेशन किया था या स्टोरीज भी कम से कम डाली थी इवेंट की, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड वी डिड इट। तो ये थी हमारी ड्रीम्स इनिशिएटिव की छोटी सी कहानी। इसके ऊपर और एक आफ्टर मूवी आएगी जिसको आप देख सकते हो अतुल गुप्ता के चैनल पे, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइस इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो @dreamsinitiative_, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।